हाँ जी, तो दोस्तों तो कैसे हो सबके साथ। तो जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा, तो आज हम करेंगे एकदम बेस्ट बजट चीपेस्ट माइक्रोफोन का रिव्यू। तो जो ये मेरे हाथ में है, तो जो भाई स्टूडियो धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो भी इस माइक को यूज कर सकते हैं और वॉइस ओवर के लिए। और जो मेरे भाई मेरे जैसे भाई यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं वो भी, और मतलब आप इसका माइक का कई तरीके से यूज कर सकते हो। बेस्ट बजट माइक है और सस्ता सुंदर टिकाऊ भी है, क्योंकि दिखने में भी काफी बढ़िया है और मेन इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। वो मैं आपको आगे टेस्ट करके बताऊंगा। ओके, तो मैं पर्सनली खुद इसको 8-9 महीने से यूज कर रहा हूँ और आपने मेरे पिछले कई वीडियोस में भी इस माइक को देखा होगा। तो मैं इसको पूरा एक बार तो स्टार्टिंग से अनबॉक्स करके बताता हूँ कि आप जब इसको नया लो तो आपको क्या क्या मिलता है, और इसका फुल तरीके से रिव्यू भी बताता हूँ। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखना, ये आपके लिए वीडियो जरूर से जरूर यूजफुल रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं, जब आप नया ये माइक परचेस करो तो आपको इसमें क्या क्या सामान सामग्री देखने को मिल जाती है। तो जैसे ही आप इसको अनबॉक्स करते हो तो यहाँ पे इस तरीके का इसका ओवरव्यू आता है। मैंने इसको वापस जचाया है खाली खोलने के लिए। तो ये इसका इतना लंबा वायर आता है जिसके ऊपर आप कपड़े भी सुखा सकते हो। हाँ, तो फिर इसके साथ आता है एक ऐसा एक पॉप फिल्टर। इसका क्या काम है कि जब आप इसे, सबको पता ही होगा बेसिकली कि हम आवाज़ बात करते हैं ना, तो वो ऐसा कुछ जो रिकॉर्ड होता है ना, मतलब एक्स्ट्रा नॉइज, वो मतलब इसमें फिल्टर होके जो क्लीन वॉइस ही फिर रिकॉर्ड होती है, और थोड़ा बहुत इसमें हेल्प मिलती है रिकॉर्डिंग करने में। और फिर बाद में इसे स्टैंड में लगाने के लिए ये ऐसा एक छोटा सा स्टैंड और इसके साथ आता है। और फिर यहाँ पे एक मेन माइक, ओके, ये आ गया हमारा BM-800 माइक। तो इसके साथ फिर हम कनेक्ट करके आपको बताता हूँ पूरा कि आपको जो ऑडियो क्वालिटी टेस्ट है वो किस तरीके की होगी। अभी जो आपको ऑडियो क्वालिटी सुन रही है वो बेसिकली मेरे फोन के वीडियो रिकॉर्डर और माइक के साथ ही आपको सुनाई दे रही है, ठीक है। ओके, तो जैसे कि आपने देखा तो ये रहा हमारा BM-800 माइक जिसमें हम ये पॉप फिल्टर लगाए, तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इसको मैं आपको यहाँ पे अपने PC में सेटअप करके बताता हूँ और आपको एक्चुअली बता भी देता हूँ कि आप इसको सेटअप किस तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको करते हैं सेटअप कि आप मतलब इसमें किसी भी बेसिकली रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो जब भी आप अपने माइक को अपने पीसी में कनेक्ट करो तो सबसे पहले चेक कर लो कि आपने जो कनेक्शन किया वो सही किया है कि नहीं। तो यहाँ पे हेलो राजेश, तो हम इसको जो ये सुनाई दे रहा है उसको बंद करते हैं एक बार, ये बंद कर सकते हैं। हेलो, तो भी देखो अब यहाँ पे जो तरंग है वो ऊपर नीचे हो रही है जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो अब इसकी हम करते हैं ओरिजिनल साउंड चेक। तो एक्चुअली अगर बेसिकली आप इसको किसी स्टैंड पे अगर आप गा रहे हो या फिर बाद में साथ साथ दोनों हाथ अगर आपको यूज में चाहिए तो बेसिकली जरूरत है आपको एक स्टैंड की जरूरत होगी। तो मेरे पास एक देसी स्टैंड है जिसमें आप वो दूसरा वाला माइक भी यूज कर सकते हो और इस माइक को भी लगा सकते हो। तो पहले बताता हूँ आपको इस माइक को इसमें सेटअप कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे इतना सेटअप हो गया। तो अब जैसे अभी भी आपको तरंगे दिख रही है तो आप हमने इसको रिकॉर्ड करके चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे एडिशन चालू कीजिए और फिर यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ रिकॉर्डिंग का बटन। ओके, हेलो, तो देखो यहाँ पे ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो 1, 2, 3। हाँ, तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है इस माइक के थ्रू। और आप बताइए, कोई एडिटिंग नहीं है, जो यहाँ पे चल रहा है वही मैं आपको वहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो वही आपको सुनाई दे रहा है, तो इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। और फिर भी आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको एडिट वेडिट कर सकते हो, इको वीको जो भी डालना है वो सब डाल के आप इसको और बढ़िया तरीके से एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो जो ये स्टैंड है और उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसको बाय कर सकते हो। और ये मेन माइक की भी आपको फर्स्ट लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जो भी अभी प्राइस चल रही है वो सब उसकी एकदम डिटेल में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो और भी कई ज़्यादा इसके जो इक्विपमेंट आपको चाहिए तो भी आप वहाँ से नीचे लिंक होगी, आप बिना टेंशन के चेक कीजिए और एंजॉय कीजिए। ओके, तो यहाँ पे ये नज़दीक का साउंड और ये दूर का साउंड, नज़दीक का, दूर का, और फिर हेलो 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 हेलो। तो आप मतलब खुद इससे अंदाज लगा सकते हो और बढ़िया तरीके से, बहुत भाई मेरे जैसे YouTube पे भी वीडियोस बनाते हैं तो उनके लिए भी ये काम आ सकता है। और मेन तो पर्पज़ यही है कि अगर आपको कोई गाना रिकॉर्ड करना है या फिर बाद में आपको किसी चीज़ के ऊपर वॉइस ओवर करना है या कुछ भी, मतलब कविता वविता कुछ भी रिकॉर्ड विकॉर्ड करनी है, तो आप इस माइक के थ्रू आपका काम ईजिली सस्ते में हो सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। ओके, तो फाइनली यही था वीडियो और यही था इसका ओवरव्यू। आप मेरे को कमेंट करके बताओ जो भी इसमें दिक्कतें हैं, जो भी इसमें आपको जो भी कुछ बढ़िया लगा मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में
जरूर से जरूर बताना, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा और आगे भी अपने वीडियोस में बेहतर करने की उस चीज़ को जरूर से जरूर कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, तो बस अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और उनको भी बताइए इस ज़बरदस्त चीज़ के बारे में, ताकि वो भी इसको देख सके, सुन सके और आराम से खरीद सके और अपने घर ला सके। ठीक है, और बस दबा के शेयर कीजिए एक बार फिर से वीडियो को। तो बस मिलता हूँ आपसे इस तरीके के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।